चुनावी महासमर की बेला है, रैली और सभाओं का दौर चल रहा है। गर्म हवाओं ने मौसम के मिजाज को तल्ख कर दिया है। इसके बावजूद लोग अपने नेता को सुनने चुनावी सभा तक पहुंच रहे हैं। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के विस्फोट समय समय पर प्रयोग हो रहे हैं। क्षेत्र के बन के गाँव में नुक्कड़ सभा को संबोधित करने, इंडिया गठबंधन को बल देने आए कांग्रेस किसान प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह ने प्रेस वार्ता के दरमियान जानकारी देते हुए कहा, देखें पूरी रिपोर्ट। अब की जो भी चुनाव है सिर्फ एक धर्म में है और वो धर्म है राष्ट्र के हित में, बेरोजगारी के बड़े मुद्दे का धर्म है। और अगर जाति है तो एक ही जाति है, महंगाई से पीड़ित लोगों की जाति। यही धर्म और यही जाति के मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। साधारण सी बात है, 10 साल का समय दिया गया और 10 साल में प्रत्येक चुनाव में उन्होंने जनता के मुद्दे से भटकाकर अन्य मुद्दों पे चुनाव लड़ाया। इस बार जनता भी प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय जितने राजनीतिक दल है वो भी प्रतिबद्ध है कि जनता के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और उसी पे चल रहा है। ये उनका डर दिखाता है, उनका एहसास हो गया है कि जनता के बीच में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि वो वापस आएंगे। उनको आभास हो गया है कि वो जा रहे हैं और आने की बात तो जनता जिसको बुलाएगी वो आएंगे। संविधान के रक्षा के लिए ये सारा गठबंधन बना है तो संविधान संबद्ध जो भी होगा वही हो सकता है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं होना है। स्पष्ट उम्मीद है जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में है, विकास के नाम पर बेरोजगारी से प्रताड़ित नवयुवक अपने आप को मुखर होकर वोट करने जा रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। इंडिया गठबंधन जीतेगा, रोजगार का मुद्दा पुनः राष्ट्रीय राजनीति में महत्व पाएगा। रोजगार का मुद्दा जो जाति धर्म के मुद्दों से तोप दिया गया था, डाइवर्ट किया गया था, फिर से मुख्य मुद्दा रहेगा। महंगाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि किसान की खेती को प्रभावित कर रहा है, किसान की उपज को प्रभावित कर रहा है। महंगाई से पीड़ित किसान अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार को वापस ला रहा है।